ये अपने देश की बुराई ना करना, हम रहते हैं इंडिया में लेकिन हमें पता ही नहीं। वो बहुत ज्यादा देशभक्त है, इनफैक्ट जब वो कोई मूवी भी देखती है तो वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है अगर वो अपने इंडिया के ऊपर कोई मूवी हो। और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इंडियंस को पता ही नहीं है कि हमारा देश कितना ब्यूटीफुल है और इसकी पुरानी स्टोरीज कितनी अमेजिंग है। सो फर्स्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम माई साइड। किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हो या फिर क्या कुछ मेमोरीज हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर? इंडिपेंडेंस डे को लेकर स्कूल की तो मेमोरीज हैं, हर साल इंडियन फ्लैग को पेंट करना, हम लोग उसको अच्छे से ड्रॉ करके सैफरिन ग्रीन उसको पूरा पेंट करके लेके जाते थे, और स्कूल में यू नो मार्च पास्ट होती थी, वो सारी मेमोरीज हैं। लेकिन आई थिंक अब जनरली जो मेरे कॉर्पोरेट वाले फ्रेंड्स हैं उनको तो छुट्टी मिल जाती है, उनकी ये मेमोरी होगी, और मेरी तो है वी आर इट्स लाइक अ नॉर्मल डे, वी आर वर्किंग, बट वी हैव दैट यू नो सेंस ऑफ प्राइड क्योंकि अपने कंट्री से। और मेरी मॉम तो स्पेशली उनको लाइक वो बहुत ज़्यादा देशभक्त है, इनफैक्ट जब वो कोई मूवी भी देखती है तो वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है अगर वो अपने इंडिया के ऊपर कोई मूवी हो। तो आई थिंक उनसे हम लोग को ये चीज़ मिली है दैट वी आर ऑलवेज यू नो फुल ऑफ प्राइड एंड वी आर so happy to be born in India. I think India is a very very beautiful country. और आजकल मैं बहुत videos देख रही हूँ अपने culture को समझने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी Indians को पता ही नहीं है कि हमारा देश कितना beautiful है और इसकी पुरानी stories कितनी amazing हैं, और काफ़ी कुछ हम लोग को नहीं सिखाया जाता है, history इतना हम पढ़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, but you all should take that initiative. काफ़ी चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अभी ऑनलाइन, प्लीज़ पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इंडिया कितनी ब्यूटीफुल कंट्री। फ्लैग हो या फिर फ्लैग होस्टिंग हो, ये सब कितनी पैट्रियोटिक फीलिंग देती है? बहुत, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है स्कूल में यू नो एक कलेक्टिवली वो इमोशन को फील करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मुंबई में बहुत अच्छी चीज़ है कि हर मूवी से पहले हमेशा नेशनल एंथम होती है। आई थिंक ये सारी चीज़ें स्पेशली फॉर किड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को इसलिए क्योंकि हमने बचपन से वो चीज़ देखी है, उसको फील किया है, इसलिए वो अपने देश के लिए वो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे इस इंडिपेंडेंस डे पे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि नाउ वी आर अ फ्री कंट्री। एक तो अपनी कंट्री को जितना प्राउड हो सके उतना बनाने की कोशिश कीजिए, अपने अपने साइड से अपने एंड से जो भी छोटी मोटी चीज़ें हम कर सकते हैं हमें हमेशा वो करनी चाहिए। समथिंग एज स्मॉल एज अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना या अपने देश की बुराई ना करना, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना, अपने देश के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना, क्योंकि हमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें हम रहते हैं इंडिया में लेकिन हमें पता ही नहीं है, अपने कल्चर के बारे में हमें चीज़ें पता ही नहीं है। आई मीट सो मेनी पीपल जो अपने कल्चर को लेके यू नो दे डोंट फील वेरी प्राउड, और द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं है। तो गैदर इन्फॉर्मेशन, पता होना चाहिए, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इनफैक्ट देर इज़ दिस शो कॉल्ड बियर बाइसेप्स, और दिस गाय रणवीर, आई रियली रियली लाइक हाउ ही इज़ ब्रिंगिंग ऑल दीज इन्फॉर्मेशन टू द यूथ ऑफ नाउ। यस, एंड आई थिंक वी नीड मोर सच पीपल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज़।